नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आपको हाइट की आवश्यकता कितनी होगी, आपकी न्यूनतम चेस्ट कितना होना चाहिए और आपका न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट के लिए मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। मैंने इससे पहले 5 वीडियो अपडेट किए हैं अपने चैनल पे। पांचों वीडियो में मैंने आपके लिए टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सब के सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके लिए कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का आपको सवाल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यूट्यूब पर आना है और सर्च करना है सेवा ऑनलाइन क्लासेस और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखनी है। 5 वीडियो में आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। ये आ रहा है दोस्तों मेरा पार्ट 6। तो पार्ट 6 में मैं आपके लिए बताऊंगा, ये आपकी रिक्वेस्ट पर ही है। यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूनतम हाइट है टूर ऑफ ड्यूटी के लिए वो 157 सेंटीमीटर डिक्लेयर की गई है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि इंडियन आर्मी में क्या होता है कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्लर्क के लिए अलग, टेक्निकल के लिए अलग, ट्रेड्समैन के लिए अलग हाइट होती है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है जो शायद आपके लिए नहीं पता होगा, और पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो है दोस्तों कि आप अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले हैं तब भी आपको अलग हाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अगर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा साइड के रहने वाले हैं तो आपको बहुत ही कम हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और वहीं आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत पड़ेगी सेम ट्रेड में भर्ती देखने के लिए। तो इस वीडियो में आपकी एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप चाहें तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी अपडेट बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पर नहीं बताई होगी। तो उससे पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके लिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चलते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन। मैंने यहाँ पर कुछ इंडियन आर्मी में क्या होता है, रीजन स्टेट वाइज जो है हाइट ली जाती है, चेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल की सहायता से समझाने की कोशिश की है। वैसे अगर मैं आपको बताता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, मैं आपके लिए सिंपल वे में बताता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर जैसे ही कोई भी न्यूज़ आई तुरंत वीडियो पड़ गई, मतलब एक घंटे के अंदर तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आ जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं एक दो दिन का टाइम लेता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में जो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो भी है इस वीडियो में आपके सामने, मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ, और मैं इस बात का मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में हाइट, चेस्ट, वेट और जो भी है इस वीडियो में बताऊँगा उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो दोस्तों, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आपके जो स्टेट्स आते हैं वो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड कुछ दोस्तों वेस्ट बंगाल का एरिया भी इसमें आता है, जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गई और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो आती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से, इन स्टेट से रहने वाले हैं तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन, सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं केवल बात कर रहा हूँ अभी सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन की। तो इसके लिए आपको जो हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आपसे ये बोले कि ये गलत है तो आप उससे मेरी बात कराना, कैसे भी चाहें मैं उसको प्रूफ दे के भी बताऊँगा कि भाई ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा। तो अगर आप इन तीनों ट्रेड्स में भर्ती देखेंगे तो आपके लिए जो मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप अगर क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती देखते हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होगी 160 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से दोस्तों, इन सभी ट्रेड्स के लिए आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और आपका वेट मिनिमम होना चाहिए 48 केजी। यहाँ पर अभी कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि नहीं सर, यहाँ तो आर्मी में तो 50 केजी वेट लेते हैं, लेकिन मैं केवल इन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ अभी। अगर आप इन स्टेट्स से हैं तो आप 48 केजी में 100% पास हो जाएंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें लिया है हमने वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें आते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, मतलब पंजाब का कुछ एरिया आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आ गया होशियारपुर, उसके बाद में गढ़ आ गया, उसके बाद में रोपर आ गया, उसके बाद में चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स आता है इसमें, और उत्तराखंड के दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे गढ़वाल और कुमाऊं। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से, इन स्टेट से रहने वाले हैं, तो आपकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 163 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर आप सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की भर्ती देखेंगे, तो आपके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो 163 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट आता है आपका सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोरकीपर। तो अगर आप इन दो ट्रेड्स में भर्ती देखेंगे, तो आपके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और साथ में आपके जो चेस्ट होना चाहिए वो इन सभी ट्रेड्स के लिए चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और वेट आपका 48 केजी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हमारा आता है वेस्टर्न प्लेन रीजन। ठीक है, यहाँ पर हम प्लेन रीजन की बात कर रहे हैं, वो हिमालयन रीजन था, ये प्लेन रीजन है। तो प्लेन रीजन में दोस्तों स्टेट्स आते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स आता है जैसे मेरठ और आगरा डिवीजन। ठीक है, मेरठ और आगरा डिवीजन के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वो भी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न में और वेस्टर्न प्लेन रीजन में आती हैं। तो आपको अगर नहीं पता है कि मेरठ और आगरा डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो अभी आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में हर बात नहीं बता सकते क्योंकि दोस्तों वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी। तो यहाँ पर अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, तो आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट की आवश्यकता होगी 170 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम इस साइड के रहने वाले हैं, तो आपको कम हाइट लगती है, और आप उन्हीं ट्रेड्स के लिए अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा हाइट्स की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा। तो अगर आप इन मतलब ट्रेड्स में भर्ती देखेंगे, तो भी आपके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर दोस्तों क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें, तो आपके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत होगी, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर फॉर ऑल कैटेगरीज, एंड वेट आपका 50 केजी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में अभी बहुत भी बचा हुआ है, मेरे को अभी बहुत भी ज़्यादा मतलब काफ़ी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं जिनको कवर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक एक बार लाइक और वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आता है हमारा साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन में दोस्तों जो स्टेट्स आते हैं वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी। ये स्टेट्स आते हैं साउदर्न रीजन में। तो साउदर्न रीजन में दोस्तों अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, तो आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 166 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की भर्ती देख रहे हैं, तो आपके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होगी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती देखेंगे, तो आपके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होगी 162 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और वेट आपका 50 केजी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ईस्टर्न प्लेन रीजन। तो ईस्टर्न प्लेन रीजन में हमारे जो स्टेट्स आते हैं वो है दोस्तों सबसे पहले ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, और नेक्स्ट आता है हमारा झारखंड एंड उड़ीसा। तो अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, तो आपके लिए जो सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट की आवश्यकता होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको 169 सेंटीमीटर की होगी, और सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर सिपाही फार्मा के लिए अगर आप भर्ती देखेंगे, तो भी आपके लिए जो हाइट की मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो 169 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप क्लर्क और स्टोर कीपर की भर्ती देखेंगे, तो आपके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होगी। उसके बाद में दोस्तों आता है यहाँ पे चेस्ट और वेट। तो चेस्ट की आवश्यकता होगी आपको 77 सेंटीमीटर और वेट आपको होना चाहिए मिनिमम
50 kg। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेंट्रल रीजन की। तो सेंट्रल रीजन में दोस्तों हमारे स्टेट्स आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये स्टेट्स और कुछ केंद्र शासित प्रदेश आते हैं सेंट्रल रीजन में। तो अगर आप इन स्टेट्स से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट की आवश्यकता होगी 168 सेंटीमीटर। सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए आवश्यकता होगी हाइट की आपकी 167 सेंटीमीटर। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए अगर आप भर्ती देखेंगे तो आपको 162 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हाइट की। और आपके लिए यहाँ पर दोस्तों चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए आपका 50 kg। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट मैं अवश्य करना चाहूँगा कि ये वीडियो में आपको जो बताया है वो बिल्कुल मैंने आर्मी की वेबसाइट से निकाल के बताया है आपके लिए प्रॉपर डाटा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए हैं, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो हाइट के रिक्वायरमेंट है वो एक ड्राफ्ट की तरह है। ठीक है, इतनी तो आपकी होगी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी के लिए कुछ स्पेशल हाइट में छूट देने के लिए भी बात चल रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही आई है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, लेकिन सुना ऐसा जा रहा है कि आपको 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट हर ट्रेड में कम की जा सकती है और आपकी जो एज लिमिट होगी वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब 35 साल तक कर सकते हैं। तो आपने अगर वो 5 वीडियो मैंने जो इससे रिलेटेड अपलोड की हैं नहीं देखी हैं तो वो भी वीडियो देख लें, उनमें भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों एक चीज़ आपको इससे पहले हाँ और बता देना चाहता हूँ कि YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चैनल्स ऐसे हैं, वीडियोस ऐसी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो टूर ऑफ ड्यूटी की जो वैकेंसीज होंगी वो केवल ऑफिसर्स के लिए होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप 14 मई का अमर उजाला का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 जवान और 100 अफसर और 1000 जवान प्रथम चरण में भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल डाउट नहीं रखना है कि केवल ऑफिसर्स ही भर्ती होंगे, यहाँ पर 1000 जवानों की भी भर्ती होगी प्रथम चरण में। उसके बाद में इसके नेक्स्ट चरण आते रहेंगे और आपके लिए जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो हिलती रहेगी और आप भी भर्ती हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको और आप वीडियो को एक एक बार शेयर सभी जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।